प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेन सॉल्यूशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्यांकी आपके 10 नंबर की, हम आपको यूनिट बाय यूनिट सिलेबस करा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे। आप आराम से घर बैठे बैठे आप दिन करते रहें, समझते रहें और पढ़ते रहें। देखिए क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान दें। क्वेश्चन में आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करा रहे हैं या हल करा रहे हैं, एक ही बात है। देखिए जरा अपने आंसर या सोल्यूशन में, एक्स वन बराबर जीरो जो आपके पहले पॉइंट से है, बाई वन आपका बाई वन बराबर जीरो, और सेकंड वाले पॉइंट से क्या है, एक्स टू बराबर जीरो, बाई टू बराबर दस। आगे देखिए अपने फार्मूले में या सूत्र में, सूत्र या फार्मूला आपका क्या है, दूरी बराबर रूट में आपका एक्स टू माइनस एक्स वन। जरा ध्यान दें, आपका फार्मूला या सूत्र क्या है, हम दोबारा बता रहे हैं, दूरी बराबर रूट में आपका एच टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। इसमें आप मान लगाएंगे तो एच टू में से एक्स वन निकालेंगे तो क्या बचेगा, जीरो, जीरो का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस बाई टू बाई वन का मान लगाएंगे, मान लगाने के बाद आपको दस मिलेगा, दस का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया है। आगे आप देखिए, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, दस का स्क्वायर सौ होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो सौ आएगा, सौ का रूट आपका दस होता है, सौ का रूट आपका दस होता है, तो ये आंसर आपका 10 मात्र होगा। ये आपका यही आंसर है, सलूशन है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।